वेलकम बैक। मैं हूँ अश्विन तजरा। आज मैं एक स्पॉट में काम कर रहा हूँ और काम करते हुए आपको यहाँ का दिखाता हूँ कि लोकेशन दिखाता हूँ, और उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग ब्रशेस दिखाता हूँ, काफ़ी प्यारा है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेशनरी का एक ब्रश सेट है, काफ़ी अच्छा है, सिंथेटिक है। और इससे पहले जैसे कि हम बहुत लॉन्ग टाइम से ब्रस्टों के ब्रशेस हम यूज़ किए हैं, नेचुरल हेयर होने से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो हेयर फॉल होता है, बट ये सिंथेटिक होने के कारण आजकल बहुत अपडेट्स है और उसके चलते बहुत ही अच्छा अच्छा ब्रशेस निकल रहे हैं। तो क्यों ना इसे एक बार काम करके देखते हैं किस तरह से ये हमारे काम आए। इसकी फिनिशिंग काफ़ी वाव है एकदम। और इससे पहले भी मैं बहुत सारे ब्रशेस यूज़ किया, मुझे मालूम है आजकल जो सिंथेटिक है काफ़ी बारीकी होने के कारण इसमें वाटर कैरी करने की क्षमता बहुत अच्छा होता है। यार बहुत रिजनेबल प्राइस, आप चेकआउट कर सकते हैं articat.com में जाके, तो वहाँ से आपको इजीली आपको अवेलेबल होगा। काफ़ी प्यारा, बहुत सारे नया ब्रशेस सीरीज़ आया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसके वीडियोज़ के साथ आपको काम दिखाऊँगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम एक लोकेशन पे है और कुछ इस तरह से काफ़ी प्यारा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है रिफ्लेक्शन के साथ। मैं थोड़ा सा क्रॉप करके ट्राई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से इसे क्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ताकि रूल ऑफ थर्ड में जो गोल्डन लाइन पे मेरा ये जो स्टेप्स आ जाएगा और पूरा ही खूबसूरत है जितना हम मेंटेन कर पाएंगे। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल लाइट एंड शेडो, देन ये जो क्लॉथ है ये जो कपड़े वगैरह है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, इसके रिफ्लेक्शन वाकई काफ़ी खूबसूरत है। इतनी खूबसूरती को मेंटेन करना नॉट ईजी। तो किधर भी देखे, और ये मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस 25 मीटर तो मैं लोकेशन पे ही रहता हूँ, मतलब ब्यूटीफुल लोकेशन पे रहता ही हूँ। विलेज स्केप के साथ आपको वाकिफ कराना चाहूँगा, चारों तरफ किधर भी आप पेंटिंग कर सकते हैं। और मेरे इस विलेज में मोस्ट वेलकम, और दिसंबर में हम जाके कैंप करने वाले हैं, वो आपको मालूम है। और आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, तो वो कोलकाता से लेकर के यहाँ पे जो कैंप होने वाला है मेरे गाँव में, एक दिन जो प्लेन एयर पेंटिंग हुई था पिकनिक, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। मैं इस तरह से थोड़ा रुकता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जिससे कि आप अपने टाइम से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ मैंने ऐसे थंबनेल का प्रयास किया है, इसी चीज़ को थोड़ा सा पेपर के ऊपर, बड़े पेपर के ऊपर ट्राई करूँगा। और मेरे साथ यहाँ पे शौर दादा भी है, शौर दादा उनके स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, कुछ ब्यूटीफुल ऑडियंस। चलिए शुरू करते हैं। क्या ठीक है ना, ना लगता
कैमरा छूट है कैमरा छूट कंपोजिशन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना होगी। एक स्टेशन है रियर तो स्कूल चालू है जनकी को है? स्कूल चालू चालू 16-17 तारीख को ना रिकॉर्ड ক্যালকুলেটিং हाँ अच्छा कर दिया था क्या ना कल बहुत देरी हो गई आज चल रहा आज अच्छे और ठीक है फैमिली में क्या पूरा हाँ मेरा ससुर का घर है बर्दवान में दुर्गा पूजा का हाँ हाँ नहीं अच्छा किया यहाँ पे क्या बोरिंग होना था एक साल के बाद ससुर बार बार नहीं बढ़िया ना तो कैसे जीता हूँ रविवार को निकल गए थे तो कैसे हाँ ना बाबू ओके आज कर देंगे हाँ कलेक्टर ना बाबू का ये बाबू का एक कुण्डी आती क्या चुप ¿Qué
এই দিকটা এই দিকটা ভালো দেখতে পাবি, এই দিকে পেছন দিক দিয়ে ভালো দেখতে পাবি। না দেখছি একটু পরে, না না ও আমাকে পরে আনতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাকে? ওই তো চলে গেল আনতে। দেবো তো পরিষ্কার করছিল কথা বলতে বলতে তো বললে আমি আমার ঘর থেকে নিয়ে চলে আসতাম। এবার সেই অষ্টমীর দিনকে আঁকুনি খেলা এবছর কেউ আসেনি, আগে হয়তো হেঁপছিল তিনজন এসছিল, তিন চারজন এসছিল। पॉइंट इतना अच्छा है कि रिकर्ड ब्रश की तरह काम कर रही है स्टेशनरी का।
बहुत ही रैंडम है, पर जब सीक्वेंस में आ जाता है, एक रिदम में आ जाता है, तब वो बीट तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। कितना कलर के साथ कर रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
হ্যাঁ তবে মাই মেয়ে এখন শপিং করো না কি ওহো চলে আসবে তুমি নাতিকে দেখো নাতিকে দেখো কে জুতো পরতে গেছে
क्या मेरी है ग्रिल तो चले दे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मेरा पेंटिंग। और जो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बोल्ड स्ट्रोक्स के साथ और इतने कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशन को मैं सिंपल करने की कोशिश किया। और वाकई ये काफ़ी अच्छा ब्रश है जो कि स्टेशनरी का है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ ऑन द स्पॉट पेंटिंग का अपडेट मैं कराता रहूँगा।